मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर मैथ ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास फोर्थ। एंड डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने डिवाइड और चेक सीखा था वन डिजिट से। अब हमारे पास डिवाइड है टू डिजिट से डिवाइड करना और उसको चेक करना है। सो अपन हमारे पास डिजिट है 4567 को हमने 12 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 12 की टेबल लिखेंगे। अब हमें चेक करना है, देखो टू डिजिट लेके करना है या वन डिजिट। हमारे पास बाहर कितने डिजिट है, टू, वन और टू, 12। तो हम अंदर की दो डिजिट देखेंगे, 45। अंदर वाली डिजिट बड़ी है तब तो हम 45 लिख के सोल्व करेंगे। तो बेटा देखना है 12 की टेबल में 45 कहीं पर है, कहीं भी नहीं है। तो 45 से छोटा 12 में क्या है हमारे पास, 36। तो 36 हम यहाँ पर मैंशन करेंगे। और 36 कितने नंबर पर है, 1, 2 एंड 3। तो 3 हम यहाँ पर राइट करेंगे। आप देखो माइनस करना है आपको, 5 में से 6 माइनस नहीं होता तो हम 4 से कैरी लेंगे, यहाँ पर बच गया 3, ये हो गया 15। 15 में से 6 माइनस किया 9, 3 में से 3 माइनस किया 0, ऊपर से हमने उतारा 6। अब क्या बन गया हमारे पास, 96। अब देखिए टेबल में 96 है कहीं पर, यहाँ पर है तो हम लिखेंगे 96। और कितने नंबर पर है 96, 8 नंबर पर। तो 8 हम यहाँ राइट कर देंगे। अब हमें माइनस करना है 0 एंड 0, ऊपर नेक्स्ट नंबर बचा है हमारे पास 7। अब देखिए हमारे पास क्या है, 7 डिजिट है, टेबल में 7 नहीं है और ना ही 7 से छोटा है, तो हम ना जाने की 0 यहाँ पर लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपको पता है ये हमारे पास आता है क्यूशेंट, ये हमारे पास बच गया रिमाइंडर और ये हमारे पास है डिवीजर। अब हमें फॉर्मूला है हमारे पास, डी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर। डी होता है हमारे पास 2D है, फर्स्ट डी होता है हमारे पास डिविडेंड, जिसको हमने डिवाइड किया है। तो अब हम लिखेंगे डिविडेंड के नीचे 4567 इज इक्वल टू, डिविजर है हमारे पास 12, मल्टीप्लाई क्वेश्चन है हमारे पास 380 और रिमाइंडर है हमारे पास 7। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 4560। अब हम इसमें 7 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 4567। देखिए बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब हमारे पास जो डिवाइड किया हमारा क्या है, ठीक। सो डियर स्टूडेंट, आपने एज ए टीच अपना क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th भी करना है। आई थिंक स्टूडेंट्स, अगर आप डिवाइड करना प्रॉपर सीख लेंगे तभी आप डिवाइड एंड चेक करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।